और पत्रकारों की गिरफ्तारी के बाद रोष लगातार देखने को मिल रहा है। तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार और इतिहासकारों की गिरफ्तारी पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और मनोज झा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। न्यूज क्लिक मामले का लगातार जो पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई है उसका विरोध किया जा रहा है, राजनीतिक विरोध भी है, पत्रकारों की तरफ से भी इसका विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के सांसद मनोज झा हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से न्यूज क्लिक पर कल कार्रवाई हुई है, बड़े पैमाने पर पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है, क्या? देखिए, मैं सिर्फ राजनीतिक की हैसियत से नहीं हूँ, एक आम नागरिक की हैसियत से भी हूँ, और नागरिक की हैसियत से जब हूँ तो सवालों का बड़ा पिटारा लेके आया हूँ। ये जो हुकूमत है ना, ये अंधे कुएं में पूरे देश को धकेल चुकी है। ये कोई भी जो जिन लोगों पर भी कल कार्रवाई हुई है ना, ये वो पत्रकार नहीं है जो शाम को 9:30 बजे से 10 बजे तक इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करते हैं, आदमी की जिंदगी से, रोजमर्रा की जिंदगी से उपजे सवाल पूछते हैं, और वो सवाल हमारे तानाशाह को असहज करता है। अब असहज इतने हो गए, कुछ सवाल पूछे गए और बिहार की जातिगत सर्वेक्षण रिपोर्ट आ गई, तानाशाह असहजता में अपने एजेंसी से ये करवा बैठे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, हर विचारधारा, हर इस तरह की जो चीज होती है, जो कि ऐसी ऐसे निजाम के बारे में आपको संदेश देती है कि जिसमें कुछ आशा नहीं बचती है, उसका एक एक्सपायरी डेट आता है। इनकी एक्सपायरी डेट बहुत पास है, इतना पास कि इन्हें शायद अंदाजा है। यूएपीए जैसे एक्ट का इसमें इस्तेमाल किया गया है जो खासतौर से आतंकियों पर किया जाता है। आपको मैं बताऊं, यूएपीए पे जब बहस चल रही थी सदन में, मैंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं कि किसी के झोले में अगर कैपिटल होगी मार्क्स की तो अरेस्ट होगा। देश की सुरक्षा के नाम पर अपनी राजनीतिक असुरक्षा को उसके साथ मत जोड़िए। ये निजाम अपनी राजनीतिक असुरक्षा और देश की सुरक्षा को पर्यायवाची बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देश बहुत बड़ा है साहब, प्रणंजय का भी है और उमलेश का भी है, मोदी जी आपका हक उतना ही है। सर, एक सवाल, आज जिस तरह से ईडी का छापेमारी हुई है सांसद संजय सिंह के यहाँ, उसको किस तरह से? मैं पहले कह चुका था, संजय भाई खुद बोले थे आओ मेरे घर, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हर प्रतिपक्ष का नेता जिसकी मुखर आवाज होगी, जिसके दल की मुखर आवाज होगी, उसके यहाँ दस्तक पड़ेंगे, ईडी के, आईटी के, सीबीआई के, या तो अलग अलग या एक साथ। लेकिन प्रधानमंत्री जी, कल को अगर निजाम बदल गया, आपके लोगों को भी इसके चक्कर लगाने होंगे, क्योंकि आपने खून का स्वाद चखवा दिया है ईडी, आईटी, सीबीआई को। सर, एक लास्ट सवाल, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जमाने में सीबीआई को कहा जाता था पिंजरे का तोता, तो कहीं अब वो जगह ईडी ने तो नहीं ले ली? नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ ये पिंजरे वाला तोता नहीं है, ये उसके अंदर एक चिप है, और जिस चिप का कंट्रोल, ठीक है, मोदी जी और अमित शाह जी के पास है, तो ये पिंजरे वाले से ज्यादा खतरनाक है। जी बिल्कुल। तो ये थे सांसद मनोज झा, जिनका कहना है कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, जो भी सरकार के खिलाफ है, चाहे वो पत्रकार है या फिर कोई नेता है, उनके यहाँ हर हाल में ईडी की, सीबीआई की और तमाम जांच एजेंसियों की दस्तक होगी। इंतजार कीजिए और देखते रहिए। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, दिल्ली। पत्रकारों की गिरफ्तारी के खिलाफ रोष लगातार देखने को मिल रहा है और उसका विरोध जो है वो किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी इस वक्त हमारे साथ हैं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। सर, जिस तरह से कई वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको कल गिरफ्तार किया गया है, दूसरे चाहे जो इतिहासकार हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या किस तरह से देखते हैं इसको आप? ये तो बिल्कुल तानाशाही है, एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। सरकार की तरफ से एक कोशिश है कि जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उनको डरा दिया जाए, धमका लिया जाए, इसके द्वारा बिल्कुल गैर कानूनी है। यूएपीए का केस कतई न्यूज़ क्लिक के खिलाफ नहीं बनाया जा सकता इस आधार पर कि उन्होंने कोई चाइनीज इंडिविजुअल से कोई फंडिंग ली है। दूसरी बात, उसके आड़ में आप इतने सारे 50 जर्नलिस्ट को, जो कि जिन्होंने कभी एक कोई प्रोग्राम न्यूज़ क्लिक के साथ किया है, उन सब के घर पर छापे मार दें, उनके लैपटॉप मोबाइल सीज कर लें, उनको FIR भी ना दिखाएं, कोई कोर्ट का आदेश भी ना दिखाएं, ये तो बिल्कुल ही गैरकानूनी है, सरासर बिल्कुल दादागिरी है। कानून के राज की धज्जियां उड़ाती हैं, जैसे आज इस देश में बुलडोज़र राज चल रहा है जो कि कानून के राज की धज्जियां उड़ा रहा है, उसी तरह से
ये भी सर, क्या लगता है कि जो भी सरकार के विरोध में जाते हैं, चाहे पत्रकार हैं या और दूसरे पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, सभी पर कार्रवाई होती है, तो किस तरह से इसको देखते हैं? ये तो बिल्कुल तानाशाही के पूरे आसार सब तरफ दिख रहे हैं, और लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे सरकार को कोई राजनीतिक फायदा होगा, ना ही पत्रकारों को डरा पाएंगे। संजय सिंह के मुद्दे, ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, जिनका कहना है कि जिस तरह से पत्रकारों पर कार्रवाई की गई है वो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और ये पत्रकारों की स्वतंत्रता पर आक्रमण है। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ नगेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, दिल्ली।